हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर या NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में। फैटी लिवर एक आम समस्या है और ये बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक एक प्रॉब्लम है। पेशेंट जाता तो है किसी और बीमारी के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड कराने और रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें फैटी लिवर भी है। फैटी लिवर आज एक आम समस्या बन गई है और इसका इलाज करना या इसको रिवर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बना रहेगा तो आगे जाकर ये लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी भी कर सकती है, जो कि लिवर की एक एंड स्टेज डिजीज़ है। वहाँ से रिवर्स करना, लिवर को नॉर्मल में लाना बहुत मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे फैटी लिवर को हम रिवर्स कर सकते हैं और ख़ासकर आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए जिससे कि आपके लिवर में पहली बात तो फैट जमा ही ना हो और अगर किसी को फैटी लिवर है तो वो भी रिवर्स हो जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिवर में कुछ नॉर्मल अमाउंट में फैट होता ही है, लेकिन जब लिवर के वेट के 5% से ज़्यादा फैट लिवर में जमा हो जाता है तब हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। अच्छा, जो ये फैट है ये आपके लिवर के सेल्स में जमा होते हैं और इस कंडीशन को हम स्टेटोसिस कहते हैं। ये कंडीशन रिवर्सिबल है, मतलब इसको वापस से नॉर्मल हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ये जो स्टेज है ये लिवर सिरोसिस की फर्स्ट स्टेज है। तो अगर ये इनिशियल स्टेजेस में इसको कन्वर्ट नहीं किया गया तो आगे जाकर लिवर सिरोसिस हो जाता है और उसको कन्वर्ट करना इज इम्पॉसिबल। बताते हैं कि इसको रिवर्स कैसे करें। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए जो सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हैं वो है, पहला आपको अपना वेट रिड्यूस करना है एंड सेकेंडली आपको अपनी डाइट हेल्दी करनी पड़ेगी, एक हेल्दी रूटीन डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रिडक्शन की अगर बात करें तो अगर आप 3% तक अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे तो आपके लिवर से फैट अपने आप रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 7% तक अपना वेट कम कर लेंगे तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो भी नॉर्मल की तरफ आने लगेंगे और साथ ही आपकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी लिवर की। और अगर आपने 10% तक अपना वेट रिड्यूस कर लिया तो अगर लिवर में फाइब्रोसिस हो गया है वो भी कुछ एक्सटेंट तक हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। तो वेट रिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फैटी लिवर को दूर करने के लिए। और ये कैसे होगा, ये होगा डाइट और एक्सरसाइज से। डाइट आपको कैसी लेनी है, आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है। कैलोरी डेफिसिट डाइट मतलब कि जितने आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे आपको कम से कम नहीं तो 750 कैलोरीज कम डाइट लेना है। और डाइट चार्ट जो है वो आपका सिर्फ एक कंडीशन को मद्देनजर रख के नहीं बनेगा। हो सकता है कि एक पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या आप डाइट फॉलो करें, वो डाइटिशियन की निगरानी में ही उसको फॉलो करें, उनसे सलाह लेकर ही फॉलो करें। लेकिन हाँ, कैलोरीज आपको अपनी डाइट में से कम करनी पड़ेगी, तभी आपका फैट रिडक्शन होगा और वेट कम होगा। साथ में एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है, एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करना ही करना है और एक्सरसाइज में कार्डियो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि आपका लिवर हेल्थ बिल्कुल ठीक बना रहे। पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी को लिवर के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। स्टडीज़ में पाया गया है कि क्यूकर्मिन कॉम्पोनेंट जो होता है हल्दी में वो लिवर की बहुत सारी डिजीज से हमें बचाता है। हल्दी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, और तो और हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट भी बहुत सारे मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती है। और हल्दी को आप कैसे ले सकते हैं, आप 1/4 चम्मच हल्दी 1 ग्लास पानी में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप टोंड मिल्क में भी हल्दी मिलाकर ले सकते हैं। बात करते हैं कॉफ़ी की। अगर आप भी कॉफ़ी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कॉफ़ी क्या करता है कि लिवर में एंटी ऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि फैटी लिवर को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। लेकिन हम यहाँ पर वो दूध चीनी वाली कॉफ़ी की बात नहीं कर रहे, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। आप दिन में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन इसको भी ओवरडू मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं पपीता की। पपीता वैसे तो पेट की सारी समस्याओं के लिए ही एक रामबाण है। पपीता पेट को भी साफ करता है, गैस्ट्रिक जो जिनको समस्या है उनके लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ लिवर को भी हेल्दी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पपीता आप एज अ फ्रूट ले सकते हैं, या अगर आप कच्चा पपीता खा सकते हैं तो उसकी सब्ज़ी बनाकर भी आप कच्चा पपीता ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पपीता फ्रूट ले रहे हैं तो उसको मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर ब्रेकफास्ट के तौर पर लीजिए। शाम को 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद कोई भी फ्रूट जनरली लेना हम प्रेफर नहीं करते हैं,
तो पपीते को भी आप रात को या शाम को अवॉइड कीजिए। सुबह जितना सुबह आप पपीता ले सकते हैं उतना अच्छा है। आप 250 ग्राम ऑफ पपाया रोज ले सकते हैं। बात करते हैं स्पिनच यानी कि पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों की। हरी पत्तेदार सब्जियों में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन होता है जो कि लीवर को हेल्दी रखने में काफ़ी यूज़फुल होता है। साथ ही साथ हरी सब्जी में आपको बाकी सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये भी मिलते हैं जो कि ओवरऑल आपको हेल्दी रखते हैं। और एक और ऐसा फूड आइटम है जो आपको आपके लीवर को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है, वो है बीटरूट। बीटरूट यानी चुकंदर। अभी तो चुकंदर का मौसम भी है तो इसको भी आप अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। इसमें बीटाडीन नाम का एक एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो कि लीवर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आप बीटरूट का जूस ले सकते हैं या बीटरूट कच्चा भी खा सकते हैं। जितना आप इसको कच्चा खाएंगे उतना ही अच्छा है। अगर पका भी रहे हैं तो इसको ओवरकुक मत कीजिए, थोड़ा सा सॉटे करके आप इसको ले सकते हैं। पीने की बात है, अब हम देख लेते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में हम क्या ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका लिवर हेल्दी रहे। सबसे पहला है गुड स्लीप। हाँ, अब जब भी हम सोते हैं तभी हमारी बॉडी रिपेयर कर होती है, तो लिवर को या ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने में नींद का एक बहुत बड़ा रोल होता है। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी नींद बार बार खुल रही है और आप नींद पूरी होने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे, रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं है, तो उससे भी कई सारी बीमारियों में एक लिवर के डिजीजेस होने के बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। दूसरा, खान पान में ध्यान रखना। हाँ, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा लिवर को हेल्दी करने के लिए। जितना कम आप बाहर की चीज़ें खाएंगे जैसे, और स्पेशली सैचुरेटेड फैट जैसे कि आपके फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स और पिज़्ज़ा, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं वो जितना कम लेंगे आप, ये जो ओवरलोडेड विथ चीज़ ये सब जो है, उससे क्या होगा आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम होंगे। कोई भी खाना हम खाते हैं एट द एंड उसको जो मेटाबोलाइज होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिवर में जाकर ही होता है, ठीक है। तो लिवर में आप जितना ज़्यादा लिवर से काम करवाएंगे, यही चीज़ अल्कोहल में भी होती है कि आप जितना ज़्यादा अल्कोहल लेंगे लिवर को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप लिवर से जितना ज़्यादा काम करवाएंगे उतना उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसके बाद उसमें स्कारिंग हो जाएगी, एक बार स्कारिंग हो जाएगी तो फिर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लिवर डैमेज होता रहेगा। तो आपको कोशिश करना है कि लिवर को हेल्दी रखना है, कभी कभार ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या रिपीटेटिव मत लीजिए। आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और उनकी सबसे या फिर एक बहुत अहम वजह यही है कि हमारा बाहर का खाना, ये जंक फूड खाना, सैचुरेटेड फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लास्ट में वेट मेंटेन करना, आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। जितना आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज, नॉर्मल फैट परसेंटेज कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी लिवर में भी फैट डिपॉजिट कम होगा, तो ये भी एक बहुत ही रीज़न है ओबेसिटी का। देखिए सारे इंटरलिंक्ड है, आप बाहर खाना ज़्यादा खाएंगे, सैचुरेटेड फैट्स वाले खाना ज़्यादा खाएंगे, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, वेट बढ़ेगा, आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होगा, लिवर ख़राब होगा, ठीक है। तो ये पूरा सब कुछ इंटर रिलेटेड है और ज़्यादा खाने से या इतना अनहेल्दी खाने से आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, वो भी लिवर को इन अ वे ख़राब करेगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, साथ में हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए और लिवर की सारी समस्याओं को भूल जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।